वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम TS इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टर्म्स इन जेनेटिक्स लाइक ट्रेड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लोकस, एलील, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस, इस सब चीज़ों को आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ट्रेड। तो ट्रेड किसी भी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। सपोज मान लो कि यहाँ पर एक आदमी है, तो उसका स्किन कलर, आई का कलर अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स उसे हम ट्रेड कहते हैं। नाउ द ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड एंड क्वालिटेटिव ट्रेड। तो क्वालिटेटिव ट्रेड में हम किसी खास क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई आदमी है, तो उसका जो आई का कलर है, स्किन का कलर है, जिसे आप माप नहीं सकते, उसका जो आई का कलर है वो उसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी होता है, उसे डिफाइन करते हैं, तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड। क्वांटिटेटिव ट्रेड क्या है? क्वांटिटेटिव ट्रेड वो होता है जिसे हम पर्टिकुलरली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी का हाइट, तो उसे हम माप सकते हैं, तो हाइट एक क्वांटिटेटिव ट्रेड होता है। अब इस ट्रेड को एक डायग्राम की मदद से और भी आसान तरीके से समझते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के इस पोर्शन में एक जीन रहता है जो कि आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जीन जो भी कैरेक्टर को यहाँ पर शो कर रहा है, सपोज ब्राउन कलर का आई शो कर रहा है, तो ये हमारा ट्रेड है। जैसे कि ये जीन जो कि यहाँ पर रहता है, तो ये क्या कर रहा है, ये हेयर की कलर को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ब्लॉन्ड हेयर, तो ये ब्लॉन्ड कलर का जो हेयर है वो उसका ट्रेड है। अब नेक्स्ट है हमारा एलील। द जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इज नोन एज द एलील। तो सपोज मान लो यहाँ पर एक कैरेक्टर है, हाइट, तो इस हाइट कैरेक्टर के लिए एक जीन है जो कि टॉल ट्रेट को शो कर रहे हैं, और उस जीन को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं। और एक जीन है जो कि ड्रॉप ट्रेड को शो कर रहा है, तो उस जीन के लिए हम स्मॉल टी लिख लेते हैं। अब ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, ये एक दूसरे का एलील है। सो इन द प्लांट द पेयर ऑफ एलील वुड बी, तो प्लांट में कौन कौन सी हाइट के लिए, हाइट कैरेक्टर के लिए कौन कौन से एलील्स पॉसिबल होंगे, वो क्या है? एक तो हमारा हो सकता है टी टी, दूसरा है टी टी, और तीसरा है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। इफ द एलिलिक पेयर ऑफ जीन आर आइडेंटिकल ऑफ ईच अदर, इट इज कॉल्ड द होमोजाइगस, एंड इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड द हेटरोजाइगस। अब हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि कैरेक्टर हाइट के लिए प्लांट में पॉसिबल पेयर ऑफ एलील्स है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों जीन आइडेंटिकल है और इसमें भी आइडेंटिकल जीन्स मौजूद है, तो ये दोनों हमारा है होमोजाइगस, और इसमें आप देख ही सकते हो कि एक जीन है कैपिटल टी और एक जीन है स्मॉल टी, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो ये है हमारा हेटरोजाइगस। तो नेक्स्ट है हमारा जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। जेनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ट्रेट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड द फेनोटाइप इज द ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो भी हम बाहर से देख रहे हैं। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है जो कि लंबा है, अब इसको लंबा बनाने के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो है, सपोज मान लो यहाँ पर
कैपिटल टी, कैपिटल टी जीन मौजूद है। तो ये उसका जेनेटिक मेकअप है। तो ये होता है हमारा जेनोटाइप। अब इस पेड़ बाहर से दिखने के लिए कैसा है, टॉल है। तो ये टॉल जो भी हम बाहर से देख रहे हैं वो उसका फेनोटाइप होता है। तो हमारा नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सपोज मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है जो कि टॉल है और इसका जो फेनोटाइप है वो है टॉल एंड जेनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी जीन है वो हम लोग जानते हैं कि टॉल ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो स्मॉल टी वाला जीन है वो ड्रॉप ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर ओनली टॉल का एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि फेनोटाइप में टॉल आ रहा है, ड्रॉप का कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। वैसा क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाला जो जीन है वो स्मॉल टी वाला जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ये कैपिटल टी वाला जो जीन है वो डोमिनेंस ही शो कर रहा है स्मॉल टी वाला जीन के ऊपर। तो ये हमारा कैपिटल टी वाला जो जीन है वो है डोमिनेंट और ये जो स्मॉल टी वाला जीन है वो है रिसेसिव। तो हमारा नेक्स्ट है लोकस। प्लूरल फॉर्म ऑफ लोकस इज अ लोकी। लोकस एक पार्टिकुलर फिक्स पोजीशन है क्रोमोसोम के अंदर जहां पर एक पार्टिकुलर जीन रहता है। सपोज मान लो कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम का ये जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर एक जीन रहता है जो कि आई ब्राउन कलर की आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस जीन का जो लोकस है क्रोमोसोम में वो क्या है, इस पोजिशन। तो दैट इज द लोकस ऑफ दिस जीन। नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द कंडीशन वेयर बोथ द एलील्स इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन पार्शियली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड द डोमिनेंट एलील कैन नॉट कम्प्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील। तो चलिए इसे डायग्राम की मदद से आसान तरीके से समझते हैं। सपोज मान लो यहाँ पर एक रेड कलर का फ्लावर है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का फ्लावर है जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल आर। और ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, डोमिनेंट है। और ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, रिसेसिव है। तो ये दोनों फ्लावर में से जो गैमेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है, कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर। तो ये दोनों गैमेट मिलकर जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर एंड फेनोटाइप आ रहा है पिंक कलर। तो यहाँ पर ये जीन, ये जो आर वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर उसका ही जो एक्सप्रेशन है वो शो होने वाला था, यानी कि ये जो फ्लावर है ये रेड कलर का होने वाला था। तो ये पिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर जीन है वो पूरी तरह से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो जीन है वो पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है और ये भी, ये जो स्मॉल आर है वो भी पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है। अब ये दोनों, ये रेड और व्हाइट पार्शियली एक्सप्रेस होने के लिए वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है, पिंक कलर का फेनोटाइप दे रहा है। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरह से अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है। तो ये डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील मिलकर
एक कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ पर वो रेड और व्हाइट को मिलकर ये पिंक कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर कि हेटरोजाइगोट में दोनों जो एलील्स होता है वो दोनों एलील्स फुल्ली एक्सप्रेस होता है, फुल्ली एक्सप्रेस। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था कि वो पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन कोडोमिनेंस में फुल्ली एक्सप्रेस होगा, दोनों एलील फुल्ली एक्सप्रेस होगा। तो इसको एक डायग्राम की मदद से आसान तरीके से समझते हैं। तो सपोज मान लो यहाँ पर एक रेड फ्लावर है जिसका जीनोटाइप है कैप्टेलर कैप्टेलर, और एक व्हाइट कलर का फ्लावर है जिसका जीनोटाइप है स्मॉलर स्मॉलर। तो यहाँ पर भी कैपिटल आर डोमिनेंट है और ये जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है। तो इस दोनों फ्लावर में से जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है वो है कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर। ये दोनों गैमेट मिलकर जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, व्हाइट एंड रेड स्ट्राइप फ्लावर, एंड इसका जेनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर एज बिकॉज द कैपिटल आर इज द डोमिनेंट, तो यहाँ पर फ्लावर का कलर होना चाहिए था कि रेड कलर का फ्लावर। तो यहाँ पर ऐसा रेड और व्हाइट स्ट्राइप फ्लावर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है और जो रिसेसिव एलील है वो दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, फुल्ली एक्सप्रेस हो रहा है, एज बिकॉज देयर इज ए फुल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस जीन आर शोन इन द फ्लावर। इसके वजह से ही यहाँ पर रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप फ्लावर देखने को मिल रहा है। रियल लाइफ में कोडोमिनेंस की वजह से जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो ऐसा दिखता है। Thanks for watching. If you like the video, please press the like button, share with your friend, subscribe our channel to get more neat related video like that.